ऐसी चीज फिर मंगाओगे ना तो कदे ना कदे उड़े मरण हो जाएगा। हाँ, जांच पर गया था छोरा बहुत सा दर्द उठा, राम जी की जगह जाने का माता के पाया में लुटा, मेरा तेरा राम भरत के साथ ना ताना जी और चीज न चाहता, तेरा जी चाव सो कही माता सारे में तेरा बालक छोटा, राम जी की जगह जाने का माता के पाया में लुटा, सेवा माँ मार बार रहूँगा अपनी का क्या कर रहूँगा, जिंदगी भरता बेता रहूँगा माँ, मेरा शेर तुम्हारा छोटा, राम जी की जगह जाने का माता के पाया में नहीं आगे कितनी लिया लो लग रही थी हरी भजन में, दूसरा नहीं था पकड़ संकल्प मन में, लो लग रही थी हरी भजन में नू ठीक समझ कर छोड़ा फिक्र करा था मन में, क्योंकि वो उपकरण था मोटा, राम जी की जगह जाने का माता के पाया में लुट, लक्ष्मी चंद राम गुण गावे समय लिकड़ जा हाथ नहीं आवे, वक्त पड़े में काम आओ से पीछा खोटा बेटा खोटा, राम जी की जगह जाने का माता के पाया में लुट। फिर अपनी भाभी दौर गया, हाँ वो सच्चे मोतिया जोड़ा मंगा था वो दे दिया, वो करोड़ की बोड़े की थी, न्यू बोली मारती है ब्याह मिला करूँ था वही ना यू मन बेरा नहीं बहुन की छोटकारा पर ब्याह तो लिया इसका चौकस। हाँ तो वह जब सवाल करें से अग बोले ये तेरी चीज तू नहीं बोली ना अगर सच्चे मोतिया जोड़ा ले जरूर आइए ना कि डूब कमर चाहिए, बोले कदे सच्चे मरना हो जाएगा, बोले हमने तो आशी करी थी, हम तो भगवान तो रोज खैर सलाह कराते बोले ठीक से चौखा ये भी ठीक आ गया, तू बली करी थी परमेश्वर नाराजी खुशी आ गया, सच्चे मोतिया का जोड़ा तेरा हाथ कड़े तला गया। अगली ले अगली। अच्छा बस वो जब ब्याह का बोले मैं देखी इसने खूब रचाई चादरे गलती लाई तेरी आख्या मैं गलरी शाही रंग बंदड़े का छा गया, अगर बोले जब चादरे गलती लाग रही आख्या हम शाही गलरी मैं दी भाई रांड की तरह तो बोले ब्याह सा हो रहा है, हूँ सोच तेरी बाण का थ्या गया, बालक का खोट बता दे बेटो रोन लाग जाए सोचा बात टल जाएगी। हाँ बोले वो तेरा तो ब्याह सा हो रहा है, शादी का चक्कर चलिया जब नाड़ तले ने गो के जान पटन के डर का मारा बेहतर बर गया रोक वही ब्या शादी का चक्कर चला जब मार तड़े न गोक जान पटन के डर का मारा बेहतर बर गया रोक जल पीवन कार वो डाल बरी मुँह धोलिया करका वोटी आत्मा रोके मन मन मैं तो करो लिया भाई गणी उच्च दादी गणी बार के बोला नहीं गाई जाएगी, जल पीवन का ओडा लेगा सड़ू भरी मुँह धोलिया करके ओट आत्मा रोकी मन मन में तो खरो लिया, भाभी के बोला का अपने तन में शेल से बोलिया पीसा दे ली हो तो लकोले भाभी खड़ा रखो, अरे के मिल जाएगा तम न चंद्रगुप्त का बोल के शेल कटो गए जाने पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया। हाँ री बिले ये बात लकमा हो जाग रहे बिले देखे तेरा ब्याह है ना जिमरा सारा याद से सौदा किसने के ना जान पट्टी भर जिस दिन तुम ब्याई थी मारा सब कौन बेगा चाव से डैजब सा ले आई थी हम सारी जिंदगी भूलवा कौन है तो इतना धन लाई थी तेरे डोले आगे मारे कौन बेगी सब बीर कड़ी पाई थी ब्याह शादी और जन्म मरना बता रख कौन लखो गए जान पटन के डर का मारा भीतर बढ़ गया, बोले जिसका माँ बाप भाई बंद कम भी ना हो उसने के कहा आग रहे हैं, बोले उसको कहते हैं पाई की नहीं आंडा पाई डरा के पच कम कौन है, बोले मैं पाई हूँ, बोले भाई अंड इतना कौन बा आराम रही ये देखिए कतरा भाभी रही मारुति जी खड़ी नुकन लग रहा कोई कौन है, बोले जब ब्याह का नुकोगी ना हो रहा तो यह कहूँगा इस ब्याह का चक्कर कति खत्म करो ब्याह का नाम मत ना लो। हाँ बोले ना तो नहीं कहूँगा अच्छा अच्छा मेरी हाँ भाई घनी खच कर हाँ ये बात या सही मैं तुम लग रहा हूँ उकरण करना था सास बात सही है गेल बोलनी अच्छा ही है। हाँ इस उम्र में भी इतना उम्र का भी फर्क सर घर सास बात भी होना चाहिए। हाँ बेला जिसका माँ बाप को ना उसने क्या कहा पाई पाई बन क्या करूँ गुजारा हो कम बजाना हो से जित भेजे उड़ा चल जा टेम पाना हो से भूख प्यास में मरते मरते जब कदे खाना हो से
चलते का दोनी आर लागे जा क्यों तंग ताना हो से चंद्रगुप्त करे चक्कर करा उड़े जब भूर जागली ये बुटिया सुती ये बता दी ना कवि ने भूर जागली सो गए जान पटन के का मारे भीतर मर्द की जड़ में सेवा करती वीर जागनी चाहिए वीर मर्द के दिल की चिंता अलग भागनी चाहिए समझनिया मानस ने ना सती वीर त्यागनी चाहिए बजिश तो मतलब पूरा हो जा इसी रागनी चाहिए लक्ष्मी चंद का पढ़ेंगे काटने आया था जिसे भोग है जान पटन के डर का मारा भीतर पड़ गया। अब यो तो उड़ो बयान करना आ रहा सुती उठ ली ठंडी टापू को देखा उठ कर देखा ना चंद्रगुप्त ना जहाजन लेना है कन देने दो बेरबानी की जाते झाड़ झाड़ भरी उठ कर के कहन लगी सूती उठ का देखने लगी उरे सेठ की जाई वो ना जाज दिखता साजन दिए नाद का ओ सूती उठ के देखन लगी ओरे सेठ की जाई ओ ना जाज देखता साजन दिए ना और किस का दोष नहीं मेरी करणी का फल से और डांटे ते बिना डटती जो बने ओड़ी की जड़ से ओ सजन तेरी ब्याई खा गड़ से काट क्यों बने क्या कसाई ओ ना जाज दिखता साजन दिए ना कई सूती उठ के देखन लगी उरे सेठ की जाई ओन जाज दिखता साजन दिए नाद का बे मतन जोड़ी बोलती मारूंगी टक्कर दान के भला क्यों मारेगी टक्करे न्यू कहा बे माता था फेर जाना आता दोन मारकर रंडी खाट खा जा क्यों बेला रंडी इतनी बार कतर जोड़ी बोली थी यो क्या जोड़ी मिलाई थी ना बेला बिछड़ लिए इतने तावड़े बे माता ने जोड़ी बोल दी मारूंगी टक्कर डान के और मेरे सजन तेरी ब्याई रोवे ले लेने दया आन के ओ मेरे मात पिता ने राम जान के पांचा में पहले लाई वो ना जाज देख साजन दिए ना दिखाई राम भरोसे इस टापू में बेदड़ के ते सोगी तिब या गेरा ना साजनिया क्यों करके होगी तेरी मोहन माला परन जोगी टापू मैं थोड़े बगाई वो ना जाज दिखता साजन दिए ना मर्द में न के सार शंगार से बगा दी सब तोड़ कर कुछ
लक्ष्मी चंद तू पार उतर जा, श्री कृष्ण के गौण गा के। और इसी सोच था मेरे सजन क्यों लाया था दाग है। ओ मेरे सजन संग वाले आका तेरी रेते मराला सा कमाई वो जज देखता साजने दिए ना दखा। तो बस वो देखा कुछ नहीं है अकबेर बानी की जात और झाड़ झाड़ बारी आगे जना ने बाने तो लखो फटाफट। तो वो जना लखो उसके पास तो काफी सारा सामान था। ओ भगवान रंग की साड़ी रुपये काट गए और उनकी गाती मार कर उन बांध कर लो टूर खंडा लिए रेत में सड़कर बाबा जी वाला रूप वो अपने कुंडल कांडल सब कुछ काट लिए कर और जना ने बाले लखो ले वहाँ टापू में बैठ गया। दूसरे सेठ का जा जाओ था उन्हें देखा कर टापू को महात्मा बैठा बोला भाई टापू मत समुद्र चौकर देखा पहुँचा क्यों करे। वह दूसरे बोले भाई कोई एक चौड़े का महात्मा जरा इच्छा उड़े पहुँचा है बोला फिर तो दर्शन करके चलेंगे। जहाज डांट लिया उड़े कोई कीमत दे रहा कितना सुथरा बाबा जी बोला भाई साधु आगे सत्संग तो किसी घर का नाश हो गया। सब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे तो उनका मन ही था उस सेठ का ओके कैसे मोटी मोटी आँख कटीली तौर चटा के कापू के माए कला बाबा जी सा खार। मोटी मोटी आँख कटीली तौर चटा के का टापू का माए कला बाबा जी सा का। पर यहाँ कैसा रूप इसका बहुत खोटा सा ना नजर मिला का बात करे मेरा यो देखो मोटा सा गोल गोल मुँह छोटा सा किसा बहुत पटाखे का टापू का माए कला बाबा जी। पर यहाँ कैसा रूप इसका पाटरा चढ़ा गलमनाथ जने वात रुद्रास की माला किस डाला घर बार छूट गया उत पाके का टापू का माए कला बाबा जी। सही सतगुरु जी की सेवा कर धार घूंट ले आड़े डाकू चोर चक्का बाबा को आगे लूट ले चल मारी गए उठ ले आड़ा भारी डाकेगा टापू का माए कला बोले आड़ बहुत ऊत किस्म के आदमी हो महाराज को मार देगा आपने मारी गए दिल्ली चलो। लक्ष्मी चंद जीत कर चलेंगे धर्म रूप का जंग इस बाबा जी ने डूब गया किसा साधु का सत्संग बाबा जी का रंग डंग किसा छैल बाके का टापू का माए कला बोला मारी गए दिल्ली चलो बोला ना भाई कोई ना अपने तो नू सोचिए एकदम महाभरते कदम जान पड़ जा को भेज देख रहा हो जना नहीं याद बोला जी दिल्ली तो राजधानी सर सारे एक चीज़ की सहूलियत से और हम भी आपकी सेवा करेंगे उड़े चलो बस बोला सामान तो अच्छा बोला घना का बोला सामान तो हम आप धर लेंगे उसका मैं धर लिया और वहाँ बैठ के और दिल्ली राजघाट पान कर और यार क्या कहती है जाज खमा बाठ सठानी आई दिल्ली में ओ टोमती मिल ननंद खा बाई दिल्ली में बाई दिल्ली में मन एक लिन छोड़ टकर गया यो दुख दुना से ओ जितना प्रेम मन तेरे ते तन्ने क्यों ना से तन्ने क्यों ना से तेरी शान का मेरा काल से लख्या नमुना से यो जगत बसाया बस राम का तेरे बिन सुना से तेरे बिन सुना से ओ तेरे बिन मेरे के यारी असनाई दिल्ली में ओ
मिलाई आप अपने मतलब के लोगे लगाई दिल्ली में लगाई दिल्ली में मन टापू में छोड़ डगर गया ना चलिया जोर मेरा आफड़ तक टोंगी सा इतना कोर मेरा खिड़की आंख लखाउन में दुख पा गया तोर मेरा धोखा देकर चलिया गया फेरिया गया चोर मेरा तेरे कारण बहुत गणी दुख पाई दिल्ली में फिर बावड़ का दर्शन दे अन्याई दिल्ली कितना लोकरिया होता आजा होली जो हंसी तेरी थी टूम ठेकरी माया सत्यानाशी तेरी थी झुक झुक कर न करूँ वार्ता दासी तेरी थी दुनिया का मा फिर उठाऊँ तीजा तलाशी तेरी थी तेरे दम के कारण ठोकर खाई दिल्ली में तू फिर बावड़ कर कोई सुनती हो मताइयो तेरिया जाई दिल्ली में लक्ष्मी चंद ने भेजी थी मैं जब घर से चाली दिए लंगर खोल जाज के फिर इतना मैं भर पाली तू अपड़िया तो डर गया सुन दिल्ली के दिल वाली तेरा सच माच मु पा चिकना पेट फड़िया खाली बोले तू तो दिल्ली वाला पा दिल्ली की दिल वाली बोले मुँह चिकना पेट खाली है बहुत डरपोक तू तो डाखा कहा छोड़ गए लक्ष्मी चंद ने भेजी थी मैं जब घर से चाली दिए लंगर खोल जाज के फिर इतने मैं भर पाली तू अपड़िया तो डर गया सुन दिल्ली के दिल वाली तेरा सच माच मु पा चिकना पेट फड़िया खाली फिर मांग सिंदूर हटा के खाक रमाई दिल्ली में राजघाट पा के धोनी लाई दिल्ली में वहाँ राजघाट का पुरुष ने डेरा जमा लिया गृहस्थी आदमी तो सब दुखियों हैं माँ बाजियाँ दूर जान के ना उनका आदेश करें जे मेरा छोरा कूरिया किसान के मजी वो ना मानता ही होता हमने बहुत टोटा तरह तरह की बात हुई भगवान के करने शुरुआत में दो तीन आदमी ने कुछ बात बुझी वो साची लकड़ी बस दो दिन में सारे दिल्ली शहर में रुका पड़ गया और भाई राजघाट पैसा मात मारा है दर्शन करते सब दुख दूर सारे दुख दूर हो गए और तारा चंद्र सेवक था उसने भी सुनी रहा क्या उड़े हम तो सब द्रौपदी ठिकाने बुझे थी बो अफड़ का नजदीक का कि पावत बात मेरा तो तारा चंद आया जब बोला भाई क्या नाम है बच्चा तेरा आदेश महाराज बोला आदेश क्या नाम है बोला जी नाम के उत्तर दुखा गया बेटी चौथ कहता है नाम का आगे कई पदवी लागत थी आगे जगत सेठ लाला तारा चंद न्यू का आगे थे और आज कुछ भी कौन है महाराज कुछ ना नाम से बोला फिर भी होता का बोला तारा चंद कंगाल नाम से टोटे में बेहाल नाम से बीते बारह साल नाम से इतना लकड़ी ढोंगी लकड़ी ढोंगिया तन पर लागे जिसी चोट सेक ली भजन बंदगी में नीत टेक ली मन लाख देख ली कर का सूर थे पेट भरन की मिट्टी ना जरूर थे काथा तो छोटी सा मूर थे मन की मोहन मैं लकड़ी ढोनिया मालिक रहते खजाने भर दे ताज चावा जिसका सिर धर दे के कर दे प्रभु एक पैर में टोटे गिरा डूब लहर में सांस तलक सो मलन शहर में शेल चबोनिया तारा चंद कंगाल नाम से टोटे में बेहाल नाम से बीते बारह साल नाम से लकड़ी ढोनिया दुख भी हो दुनिया में बनी का पिंद लक्ष्मी चंद का ध्यान रखो वर में गुरु का सच्चा प्रेम जगर में एक दयावती सेठानी घर में दुख सुख की रोनिया ये बाप ने नाम सारे मूर्त छूट ली है और सब के नाम देते हैं जानगी अख्तरा ससरा होता है आते गया ठीक तो मतलब बड़े बुजुर्ग तेने बताते सांकर हम बेरा को नैनू केर के ना उसके लिए बकवाद करें जाए पर बुजुर्ग नहीं बताते बोला जब उसने बता दी ना अग्नि जाँच लिख तरह ससरा है फिर ने गानी मिला इसको हाँ तो कह जाती हुई दौड़ने से के क्रम लागे हाँ मतलब तो हासिल करना था अब घर पहुँच जाए क्योंकि हाँ बेरा पाटे गया बोला भाई सारा माजना समझ लिया बात बता सारी कितने में लड़के गहने दे रखे बोला जी 200 रुपये तो उनका छुट रही है मुर्दा था तुम बोला ऐसा कर सुबह मेरे धोने पाना उस धोने में तेन कुछ माल मिल लगा और मैं तो भजन में बैठा पाऊंगा नहीं बोलूँगा और उस माल ने तो 205 रुपये में गिरवी धर दिए 5 रुपये में कई दिन का राशन पानी आओगा और 200 रुपये अपने लड़के ने सुटा लिए फिर अपना कमाई खा जाइ बोला जी 5 रुपये की दूर इतना रही तो नहीं सोचा एक बार छोरा घर आ जा इतने वाला रही घने दिन हो गए 200 उड़े तेरा जियो का आया बहुत घना सेठानी बोली अग महाराज आज तो बहुत खुश हो बोला खुश के तू सुनाएगी जब तू भी हो जाएगी बोला राजघाट पे ऐसा महात्मा मिल्या है बोला भगवान कहूँ महात्मा की है
पहला सारा चक्र चंद्रगुप्त कर सब को चला के बरा उसकी दात फिर घर बच जा राजा के बरा बेला जब घर क्यों ना लिया महात्मा ने बेला तड़का इन कही जाए कि मेरे दुनिया बाजिया को संभाल पाओ कर इन्हें छुटा लिए बेला अच्छा सारी रात सोई भी कोन्या चंद्रगुप्त न्यू करता करते रे बात दोनों रे इतने मदन लकड़ा करते रे बात दोनों हाँ मेरा तो खुशी हुई बड़ी भारी मारी तेर सुनेंगे गिरदारी मारी तेर सुनेंगे गिरदारी जागे सारी रात दोनों जागे सारी रात दोनों बेटे का चक्कर चलाया करते रहे बात दोनों इतने मदन लकड़ाया करते रहे बात दो सारी रात सोए भी कोना अक भाई चाचा कमा तड़के फिर चाल पड़िया हो सेठ सारा थी पर घना टोटा देख लिया न्यू ना जचा कि पा भी जागा के अक भाई एक महात्मा न्यू कही थी आकर अपने भोजन माते बांट कर खा लिया कर कुछ ऐसा काट दिया कर किसी जीव जंतु का हर बेला भाई न्यू करता रहेगा ना और गऊ ब्राह्मण साधु सेवा करा करे बेला वो आए नीत ला ले अटके ने फिर वही दिन आ जाएंगे न्यू जमा रहेगा था आग भाई मन तो 12 साल हो लिए न्यू करते ने और के बरा साधु की बात साची भी हो जाए उसकी जब चलते हैं ना कैसे रघु ब्राह्मण साधु की सेवा जन कद दुख न तो जागी रे साधु जी तेरी कई काल की के साची भी हो जागी हर साधु जी तेरी कई काल के साची भी हो जागी कदे मेरे कैसे भूखी दुनिया सदा व्रत ले खाए थी दान माया की चौकर दे जाल लागते जाते दुनिया में ऊंडी चाल धन के चाना ना दे एक जगत सठाणी पति वार्ता मेरा चंद्रगुप्त की है माधिर जगत सठाणी पति वार्ता मेरे चंद्रगुप्त के मा जान नहीं थी यारी राम की सिख मन खो जागी साधु जी तेरी कई सांझ की साची भी हो जा साधु जी तेरी झूठ लकड़ की था क्यों करके कत होगी नू कैसे झूठी पागी तो केरा होगा रब 1200 लो लिए जब केरा था आज के साला हो गया जा यो एक टाइम दर दिया कि नू 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 पाओगा एक ब्याह दरिया जा फलानी तारीख कर जिन्हें जरूरत से पीछे की मंगन चल जा रहा सुरेश 20,000 रुपये दे भले भाई आज नहीं से तो 7 तारीख ने लीजिए आज ना अट जाते गला कौन है पर खड़े चोट जब टाइम का टाइम नहीं कह देना कौन है जब मरण हो सर हाँ वो पानी मरल जाए जा तेन का फिर केरा होगा जो ना बात है जब साधु जी तेरी झूठ रिकड़ की तो क्यों करके कहते होगी सेठानी का पक्की जज्जा जब पूरी पत होगी छह महीने आगे की सोचा करता इब तो पत्थर की मत होगी अटका बच जाएगा दिल्ली में साधु की सत होगी रूई के से पलना पक्का दयावती सो जाएगी साधु जी तेरी कई साझी के सची भी हो जाएगी धन माया का भरा खजाना सुना छोड़ सकड़ गए न्यू बोले न्यू तो मैंने कथा सुन रहा कि सारी साधुआ का गऊआ का ब्राह्मण का इनका विरोध कराया उनकी गिल के बनी सगड़ के 60,000 कपिल मुनि ने भस्म कर दिए थे साठ धन माया का भरा खजाना सुना छोड़ सगड़ के बेटे 60,000 का अबरू गोडे खूब रगड़ गए गऊ ब्राह्मण साधुआ तो लड़कर राजा बन तलक झगड़ गए मुनीब सोचे से धर्म तजे तो बड़े बड़े छेट बगड़ गए भाई धन मिल जाता जोड़े भर लो दयावती बो जाएगी
साधु जी तेरी कई साजी के साची भी हो जाएगी। श्री कृष्ण ने युद्ध करके भाई रुक्मण सतभामा भगता नाता श्री कृष्ण संग देवर जेठ सुदामा सारी दुनिया फेरा भटकती नामा हो कित नामा लक्ष्मी चंद जीणा दो दिन का भाई करा गेगा काम या मोह माया में लिप्त हुई दुनिया ना सहम डले हो जाए साधु सहम डले कद जुए से आगे भाई ब्याह ना होता भी आर उलट लिया त्रिपुरा मत और फिर छोरा ना होता धरती बिक जाओ जरूर चाहिए हो जाए जब तक सोटन करें जगह जगह पीछे लाऊं पटाऊं लिखाऊं लाड करें कंधा मतलब टाक तावड़े चुम्मी जाएंगे बेअंदाज खर्च करें जाएंगे और फिर नौकरी पैसा ब्याह थकने फरेम हो जाए फिर दो बुढ़ा हो जाए कि हम काम करा बोला सुनिए बोले तू पढ़े रहते ना बेरा के बा फिर से हम डाली दूंगा फिर गाओ पर का मरा तो पर का हम पढ़े रहो अपना श्री कृष्ण ने श्री सब गेल रही सब गल हो रही है भाई श्री कृष्ण ने युद्ध करके भाई रुकम सतभामा भक्ता नाता श्री कृष्ण संग देवर जेठ सुदामा सारी दुनिया फेरा भटकती नामा हो कि नामा लक्ष्मी चंद जी ना दो दिन का करा गेगा शाम ना तो मोह माया में लिप्त हुई दुनिया ने सेम गलत हो जाई भाई एक दिन गंगा जी नान जावा हरिद्वार चले जावा उड़े तो बिलारा कटोरी जरूर गले साग लिया पर जाकर गलास चादर ले ले चटाई बिछाऊ की एक दिन खतर भी सामने करा जड़ा मेसा के लिए जाना उड़ा कोई सामान ना कोई दान पुन करना भगवान का भजन ना दूसरे का भला फिर भाई हमदान तो होगा हम इंटरूम फैल करेंगे हाँ भाई कई घंटे हो लिए जो आ गया था भाई नाला अब्बा जी के धुने दौर पहुँचे कंगाल गया और टुक डरता डरता मंदिर से चल गया अब्बा जी के धुने दौर पहुँचे कंगाल टुक डरता डरता मंदिर से चल गया हर दुखिया के मन लया करूं था किसे का के लूं था वही दान करण के बिन मैं पूरे सोला दिन लूं था मैं किसा तो बदन लू था मेरा हर बांका माल गया हर टुक डरता डरता मंदिर से चले बाबा जी के तूने दौर पाँच कंगाल गया टुक डरता डरता मंदिर से चले गया सोलह दिन होते हैं तेतीस सोलह माले हैं सारी वो पुनवासी और माउस दो तो ये होगी और सौदा हुए फिर सोलह दिन अगर रोज करे अगर तो मतलब यो है आप पूरे सारे रोज करे तो दान पुण्य में हैं सारा खो गया भाई पर के गुरु ने ए रउन का भला कदे ना होता जो चोरी का खाया करे से हे भाई शुद्ध मन चित हो जब गंगा जमुना नाया करे से कुरड़ी का भी उदया जाया कर सभी बारमा भी सा गया टुक डरता डरता मंदिर से चले गया बाबा जी खेर दूने दौर पाँच कंगाल गया टुक डरता डरता मंदिर से चले गया
लक्ष्मी चंद राम ने रटके अमृत रसदार गोट जा भाई टोटे मैं कम इज्जत वो सर प्यारा ते मेरे टूट जा ए धन मिल जा तेरा पूत छूट जा जटिया फड़ में ख्याल गया टुक डरता मांदी से ले गया तो उड़ा पहुंच गया वो तो उसने के लखोदरी ऊपर रखी थी हाथ मरते रो 25 तोले कांगनी पागी बस फिर फालतू तो उसने बोले तो बहुत बड़ी चीज एक सुनने की मिली कांगनी ज्यादा राख टटोली कोन्या लेकर चल पड़ा तारा से नाक संत ने खोली कोन्या भाई जी ने कहते ना आज से सोले मूर्ख लोग रहे ना भोले सुनना पूरा 25 तोले थे इतने तक हम तोली कोन्या नू प्रश्न करे से बोला कि काटा ले रहा था मैं कहा हाथ में तोल ली जगत सेठ की उपाधि थी मैं कहा दुकानदार गण कभी धर देंगे पूरे पाओ की तर ले वो तो जगत सेठ रोज का तर बता वो तो रोज हाथ में लेते बता देता रोज तोल लो पर लो कह था 25 का कौन ना कोई 30 तो कम कौन है 25 इतने तो कम तोली को ना 25 तो कम नहीं फालतू बेच सको अंदाजा लेकर चाल पड़ा था चंदा संत ने खोली को ना मान संगुरु प्रेम तो तेरे कद्यो दिल के दूर अंधेरे नु तो बक बक करते फिर तेरे प्रभात लागती डोली को ना लेकर चाट पड़ा तारा चंद संत ने खोली ये जो पानी की जो कुए की डोल हुआ था ना डोल जो घने घने लाग जाते रहे उसमें किली फसारते ना तो खतरा हो जाता जान और कई कई डोल पास देते लेते रहो जाकर उड़े ताई जाता तो वह डोली गिर रहा था वो नु कहा डोली गिर आवर दमाक देसी दड़वा बे वो वासी गिर रहा था एक बुढ़ा था हरिचंद मर लिए सब बोले अरे आज किसा बुढ़ा बोले आज के देखा है बेटा बोले आज की तो मत बुझे तू बोले आज तक कटी बाल हो रहा था बोले नु टांग ठाउर गट दे वो डोली गिर था ना वो टांग तले गिर थे उस डोलिया ने नु तले करता करते बोले आज तो जुल्म कर दिया कति बेचारे ने चाहते क्या था बता दिया वो डोली थी तो डोली वो डोली थी हाथ लागती डोली को बस वो उड़े थे लेकर अपना घर आ गया उड़ा 205 रुपये में कही थी गिरवी धर दी सारी बात छोड़ दी गणी लामी से उड़ा 200 रुपये में लड़के ने सुठा लिया 5 रुपये में घर का राशन पानी लिया उसने कही थी जब लड़के ने सुठा लिया और एक कोस दूर रह जा करते जब मन बेरा दे दिए घने दिन में घर बस सका भाई घर को जतन पानी करना हो कर जाएंगे बोला ठीक से उड़ा चला गया मनसा सेठ धो रहा है जाते हैं मनसा सेठ बहुत घना खुश होया मेले खोली बार सेठ जी अज बारह बरस मैं फिर में मन संस्कृति तो बताइए ना पंडित जी की 50 तरह से जो अपनी माँ बहन बेटी लोग गीता मंत्र ले रखी वो मन बीच में बतानी याद ना रही ना सारी तरह उन बधी यह भी उन मत से मेले कोली बर सेठ जी अज बारह बरस मैं फिर मेले एक तो बात मुका करें मेरी जठानी के पांच भाई मेरे ते माँ का जाया एक से 10 भजन से इस तरह पे तेरी लीलू बेबेरे बैये तेरा पखीला बखे गाड़े छोड़े रोक मन बार गणित से तो उड़े मिल लिया सारी बात बता दी प्यारा मानस बेला वो होश है जो बखत बकात सार दे भाई ये ले दो शर नगद रपिए पासला रफ्तार दे भाई अरे दुनिया में प्यारे बहुत गणेश हैं पर मन सब रहे तेरे किसे थे एकाद जने गणेश नाम दाम बने हैं टोटा जीता मार दे भाई ये ले दो शर नगद रपिए पासला रफ्तार दे भाई भाई वह उसने अपने लड़के बुला लिए दोनों मनसा सेठ ने
और अपनी सेठानी बोला भाई देखो जितना तुम न कमा है इतना इसने कमा है, इसका घर में तीसरा अक्स बोला अच्छा ये कमा है तो सारी जायदाद फुला दी उसके भी जहर चले करते तीसरे हिस्से का धन पड़ा करे कुड़ने नारा कर दिया भाई और फिर हाँ जब चलन लगे जब उसकी माँ ने वो 9 करोड़ का लाल लिया था बेटा तेरा लियाई और से मैं नहीं रखूँ यो ले जा बेटा हैं। और बोला भाई देखिए मारी बुराई मत करिए दयावती बनना का घनी बड़ाई मत ना करिए घर कितनी आ रखा होता मेरी बुराई मत ना करिए भाई देखिए कोई गलती पलती रहेगी तो बुराई मत करिए और मारी घनी बड़ाई भी काम करिए वो सारी बात देती। फिर उसकी भाभीया ने भी वो सच्चे मोतियाँ जोड़ा आगे बेला खैर नहीं तुमने बेरा ना बूंद की छोटका पर बैठ थारा चौकस हो लिया थारी घरा तन घरा बोल गया तैयार में रहेगी ठोकी ठुकाई जो बन गई राम करे तेरे भाई जियो और ने भाई बचपन की उम्र जारी होती और तन और ने भाई बचपन की राम करे तेरे भाई जियो ये ऊपर तलेगी बातचीत किया सारी बात होली उड़े थे। फिर बात तोड़ गणी थी कहना रहते इसने बैठ गया करुणार्ता होगी तेरी वाग है हग होगी तब वो उड़े तो चाल से जब उसकी भाभी कैसे आग देख गेड़े तो मर तरिए पर बिल या तो बहुत गणी होगी तेरी चंद्रगुप्त तेरी भूखी सखस बोई के ओ चंद्रगुप्त तेरी भूखी सखस बोई के ओ जाता सपार का दिया वेगा जाए रोई के बोई रोई के दी बेटी न के लिए दिए बिन सरया करे देवर नणंद खेलते खाते फिरया करें करा करे से लाड नणंद नणंदोई के खस बोई के जब तक सुनी से तेरे जान की धरती सी फटगी माप तोल कर देख लिया हम एक सूत्रंग में घटगी मारी नींद सटकी रात न सोई के चंद्रगुप्तरी भूखी सा खसबोई के जाता सा तू कद आओगा जाहिर हुई बड़े बड़े शेठ बिगड़ जा सीन टोटे और घाटा में आओ दिखा दूँ चाल तन में बड़ी साठा में आ जा नींद कांटा में कम बड़ रोई के नींद कांटा में आ जा उसमें देखिए लख लख में चंद भरजी लग गया ना एक घड़ी तन मोती करके रखूँ जो हार लड़ी और सांस पड़ी घर आ जा चीज वा खोई के बोला चलो ये मिल जाओगे जब भी ठीक से कहें तड़के की खोई बिछड़ी सान घर खोई नहीं मानी जाती सांस पड़ी घर आ जा चीज वा खोई के हम चंद्रगुप्तरी भूखी सा खसबो की तो सारा तीसरे हक्का उस तक देख है और वहाँ से विदा कर दिया चाल पड़े वो एक कोस दूर रहता है जब उस तक इतला दे दी कि महाराज मैं आपकी दात में लड़के ने छुटा लिया आई घर चलो फिर नहीं सोचा कदे लड़के ने देखे बिना देद क्यों खोल लिया बोला भाई घर कौन है सेवा पानी बोला सेवा पानी अब यह बात मत कहो हम तो आए गए की खातिर पूरी टहल बजागरा हर रोटी पानी से हमने घास चलना प्रॉपर उसकी पूरी बता रहा है ना यो धर्म से गृहस्थी का आए गए अतिथि के बदला हम तो अक्षक भर जाने से तुम चलो ऋषि बेफिक्र घर हम सेवा कर जाने से वह दिन थे कदे दुनिया का मां सब जक्का करे था तारा चंद इस दुनिया के सबान सा आकर था शील शांति दया धर्म मेरे छत पर आकर था भंडारे भरपूर रहे थे मालिक दया आकर था किसे की आत्मा नहीं दुखानी इतने डर जाने से चलो ऋषि बेफिक्र ग्राम सेवा कर जाना बोला महाराज के बताऊँ टेम टेम की बात से एक दिन तम नौकर चाकर भेज दिए विदेशों में अगर भाई जहाज खरीद लो आज सारी आज दुनिया में जहाजों तारा चंद गया हूँ किससे का नहीं और किसे से नहीं बोले आओ टेम भगवान ने दिखा दिया और मेरा रोटिया भूखा बैठा रहा मिलने की उम्मीद नहीं वो भी भगवान दुनिया में जहाज खरीदा कदे तो तारा चंद दुनिया के सब जहाज खरीदा हो गया फिर ऐसी समो फ्री टुकड़े तक आप नदीदा हो गया मरते मरते टल करते मुश्किल सीधा हो गया थारे किसा की मेर फ्री था अरे सिमरा हटके फिर अकीदा हो गया धर्म के ऊपर चलते चलते हम डूब के तर जाने से चलो ऋषि बेफिक्र ग्राम सेवा कर जाने जिसा मैं सेवक इसी मेरी ठानी ये नर मालिश है ना धोखा ना भजन करवा नेम कर मालिश है तम न राम जान का बात बूझ लेगी जो खास मर मालिश है उसकी आँखियाँ का मां लिया सर मुर्दया धर्म मालिश है
जब टोटे में ना रजक मिले तो हम घास भीतर जाने से रजक हाँ खाने भोजन है हाँ अल्लाह खाना मिले हाँ तो हम टोटा से अतिथि की पूरी तारे आ रहा टोटे में ना रजक मिले तो हम घास भीतर जाने से चलो ऋषि बेफिक्र ग्राम सेवा कर जाने हाथ जोड़ कर अर्ज करूँ कोई और नहीं था बाजी जी सा मैं सेवकी सी मेरी ठाणी मिला देंग की सजी दुनिया में ठग बहुत फरे से पाप करनिया पाजी लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की हम तो सेवा कर करा जी ऋषि जी सी मनमती उसी हमने कह दिया की अर जाने से चलो ऋषि बेफिक्र ग्राम सेवा कर जाने बस वो घर आ गया सारा सौदा जाते उसने अपना परस बारे में सामान सचा लिया वो तो अपना न्यू नौकर ला गया सर नहा धोकर सारी उसने अपना बाबा जी वाला बाणा हार शंगार कर जोत लाकर थाल सजा करता करण की मारी और उड़ा आ जा जब उनके आओरे सीना तेरी धर्म माल की उड़खड़ी से उरे लखा सर सारी बात क्यों छोड़े बोला कौन साइन का छोटे अगर भगत के राखे करा दिया होनी आने की बात थी भाई वो अटकने फिर मिल गए धर्म की जड़ हरी हो है धर्म पन बच मेरे थे फिर बच।